छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मानव अधिकार संगठन द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान सत्र से विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाया जाएगा। यह निर्णय संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया है। इस दौरान लोगों को उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक में कहा कि प्रत्येक मानव को उसके मानव अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। संगठन द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि जिन सदस्यों का पद निष्क्रियता के चलते समाप्त किया जा रहा है, वह संगठन में सामान्य सदस्य की भांति कार्य कर सकेंगे। यह भी स्पष्ट घोषणा की गई कि एक वर्ष के आगामी कार्यकाल अवधि में संगठन प्रदेश से ग्राम पंचायत स्तर तक 5,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। संगठन का कार्य विगत कई माह से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुका है। कार्यक्रम में संगठन संचालक सदस्य प्रमुख लव कुमार, राम टेके, चंद्रसेन चौहान, आत्मा राम साव, सुरेश साहू, दिनेश बोले व सीता टंडन आदि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से संवाददाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। एक क्रांति की शर्त निकल तो फिर मजदूरों के काम करे, मजदूरों के घंटे निर्धारित थे, उनके लिए सुविधाएं निर्धारित थी। फिर धीरे धीरे आज जो हम मानवाधिकार जो मिला है वो भले ही वैश्विक तौर पर 1948 मिला, लेकिन हम इसके इतिहास को उतना ही पुराना मानेंगे जितना मानव का इतिहास है। हमारे देश में 1997 में मानवाधिकार की शुरुआत हुई। आज जो है दरअसल जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर इसे जो है आप विधि के विशेषज्ञ लोग हैं यहाँ पे, तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में कुछ अंतर समझते हैं सर? है आप लोग जैसे आप लोग विशेषज्ञ करने के हैं, तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार को एक कौन सकते हैं सर? शायद कुछ बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। लव कुमार रामटेकी, अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। आज हम न्यायधानी बिलासपुर में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ मानव अधिकार संगठन का गठन किया गया है। इस संगठन के माध्यम से प्रदेश में पांचों संभाग, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और बस्तर के जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और पूरे हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो करके अभी तक जो है लगातार जो है चल रहा है। इस संगठन के माध्यम से संगठन की पूरी जानकारी, पूरी गतिविधियों की जानकारी दी गई है, साथ ही जो है मानव अधिकार के लिए छत्तीसगढ़ में हमको किस तरीके से कार्य करना है इसकी भी जानकारी पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को दी गई है। सर, इस संगठन में किस किस मुद्दों पे आज बात हुई सर, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। इस संगठन में मुख्य रूप से मानव अधिकार के इतिहास पे चर्चा की गई है, और जो भविष्य की योजनाएं हैं जिस पर मानव अधिकार जो है आधारित है, उन समस्त मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिस पे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, इन सारे यह मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है, और इसका विरोध प्रदर्शन भी इस संगठन के माध्यम से किया जाएगा, और शासन प्रशासन स्तर तक भी इस मुद्दे को सुझाव के रूप में भेजा जाएगा। सर, ये छत्तीसगढ़ मानव अधिकार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ मानव अधिकार संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे पहले तो शिक्षा पर आधारित है, कि यहाँ पर हमको शिक्षा पे बात करनी है, दूसरा रोजगार पे बात करनी है, तीसरा महिला एवं बच्चों पर जो अत्याचार होते हैं उस पर बात करनी है, इसी तरीके के जो अन्य मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे रहेंगे उस पर हमको चर्चा करनी है, पर्यावरण पे हमको चर्चा करनी है, और संपूर्ण मानव जीवन को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए सुरक्षित तरीके से, उस पर हमको जो है फोकस करना है, यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.